इंदौर शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने आज इंदौर में संचालित होने वाले ट्रेवल्स पर बड़ी कार्रवाई की। आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 60 ट्रेवल्स के कार्यालयों को बंद करवाया। आज इंदौर जिला प्रशासन हंस ट्रेवल्स, सिटी लिंक और मुल्तानी सोना समेत 60 ट्रेवल्स पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि लंबी दूरी के लिए चलने वाली कई बसें शहर में आती है और सड़क किनारे काफी समय तक खड़ी भी रहती है, इससे शहर का ट्रैफिक अस्त व्यस्त होता है। इन बसों के टर्न लेने के दौरान भी व्यवस्थाएं बिगड़ती है। ऐसे में इन बसों के ट्रेवल्स के कार्यालय को शहर से बाहर शिफ्ट करने को लेकर कहा गया है। 1.5 महीने पहले शहर के कई ट्रेवल्स कंपनियों को इस मामले में नोटिस दिए गए थे, किंतु अब तक ट्रेवल्स कंपनियों ने अपनी बस के खड़े रहने के स्थान और कार्यालय को शिफ्ट नहीं किया। उन पर आज कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने बताया कि इन ट्रेवल्स कंपनियों को रिंग रोड के बाहर और नायता मुंडला स्थित बस स्टैंड पर कार्यालय बनाने के लिए कहा गया है। यदि ट्रेवल्स संचालक लिखित में सहमति देते हैं कि वह आगामी 3-4 दिनों में अपने कार्यालय हटा लेंगे तो कार्रवाई रोक दी जाएगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। आज सर्वटे गंगवाल जो काफी दिनों से लिंक अधूरा है उस पर कुछ धार्मिक स्थल आ रहे हैं उनको हटाने की शुरुआत करी गई है और बातचीत करके सभी धार्मिक सद्भाव के आधार पर ये कार्रवाई करी जा रही है। निश्चित रूप से अगर सर्वटे गंगवाल हमारा लिंक बनता है तो जवाहर मार्ग और आसपास का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ईज आउट किया जा सकता है। इसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, आज उसमें सफलता मिली है। सभी की सहमति से और धार्मिक सद्भाव से आज एक धार्मिक स्थल लगाया गया है। बाकी लोगों से भी बातचीत चल रही है। मैं आपके माध्यम से सबसे अपील भी करता हूँ कि ट्रैफिक में कृपया सहयोग करें और इसको हटाने में हमारी मदद करें। सर्वटे गंगवाल के बाद जो दूसरे कुछ ऐसे रोड्स हैं जो बहुत ज़्यादा व्यस्तता के हैं या चौराहे हैं, वहाँ पर जो भी धार्मिक स्थल हैं उनको भी हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। ट्रैफिक से जुड़े हुए जो छोटे छोटे विषय हैं उनमें भले ही हमें कड़े फैसले लेने पड़े लेकिन उसको लेके हम लोग उनको इजाव करें। देखिए, अभी जो सर्वटे गंगवाल का हमने कराया था उसमें लगभग 12 की संख्या है जो निकल कर आई है, और इसके अलावा नगर निगम से अन्य जो वैसी सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़कें हैं या चौराहे हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है, उनका भी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल होंगे सभी को समिति के आधार पर हटाने का निर्देश।